कौन है? अरे ऐसे फोन नहीं छेड़ते शिवा। अरे मेरे साथ दीक्षा भी है शिवम, थोड़ा तमीज। दीक्षा मेरे साथ जाएगी, तू अकेली जाएगी। तेरे मार दूंगा मैं, तेरे चाटा चूटा मार दूंगा अगर मेरे को हाथ लगाया तो। बैक टू आवर चैनल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आए हुए सहारनपुर और मैं और दीक्षा ना जस्ट बैठे हुए थे और हम लोगों के दिमाग में इतना खुराफाती एक प्रैंक का आइडिया आया। मैं दीक्षा से डिस्कस कर रही थी कि यार कंटेंट क्रिएट करना है तो कुछ आइडिया दे, तो हमारे दिमाग में आया कि शिवम के ऊपर करते हैं तगड़ा सा प्रैंक। अभी शिवम उधर है और मैं अपने घर आई हूँ, शिवम अपने घर है, तो हमने अभी शिवम को कॉल करके कहा कि आजा कुछ खाने पीने चलते हैं। दीक्षा भी उधर रेडी हो रही है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैं और दीक्षा ना कंटिन्यूअसली अभी चैट कर रहे हैं थोड़ी देर से, मैं आपको अभी चैट भी दिखाऊंगी। और हम आज शिवम पर करने वाले हैं चीटिंग प्रैंक। तो अभी हम निकल जाएंगे गाड़ी में कुछ खाने पीने जाने के लिए और रस्ते में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कुछ खुराफाती होने वाला है पूरे रस्ते। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम चैट क्या कर रहे थे। क्या बोल रही है? क्या बोल रही थी? गाइस कह रही है कि इसमें तो मैं पतली नहीं लग रही हूँ, जरा इधर मुंह करके दिखाइयो। मैं तो चाटा नहीं क्यों? क्या कह रही है? आज तो मेरे बंदे को है, बाकी के मुंह नहीं लगूंगी। अरे जा चल चल। अच्छा मैं अब आपको चैट दिखाती हूँ। तो मैं और दीक्षा यहाँ पे चैट कर रहे थे अभी तक। ये देखो, ये अभी हमने स्टार्ट करी है चैट करना। मैंने दीक्षा का नाम अपने फोन में डी के नाम से सेव करा है। ये देखो, हाय बेबी क्या कर रहे हो, आपको मिस कर रही हूँ, ये पूरा हो रहा है। इस दिशु तू भी अपने फ़ोन में नहीं, लेकिन तेरा तो फ़ोन वो देखेगा ही नहीं ना। ये पूरी ये चैट चल रही है। और ये बंदा जो मतलब यानी कि ये है दीक्षा, ये मोहाली से बिलोंग करता है और ये मेरे को डेट पे लेके जाने वाला है। तो ये पूरा चैट चलेगा। दीक्षा पीछे से मुझे अच्छे अच्छे से मैसेजेस करियो, और जो तू मैसेजेस कर रही होगी ना, पहली चीज अपना फोन साइलेंट पे रखियो जिससे मैं तेरे को जो रिप्लाई करूं वो शिवम को सुनाई ना दे कि तेरा भी फोन पीछे से बज रहा है, नहीं तो मुझे शक हो जाएगा पक्का से, ठीक है? और दूसरी चीज, जो तू मुझे पीछे से बैठ के मैसेजेस करेगी ना, उसे छुपा छुपा के करियो, ठीक है? मतलब उसको फोन दिखना नहीं चाहिए, ओके? मैंने इसे वैसे काफी कुछ समझा दिया है, लेकिन पता नहीं अगर इसकी मंद बुद्धि वहां पे तब नहीं चली तो फिर कैसे होगा। कितना बोलती है। तो शिवम आने वाला है तो हम मिलते हैं अब गाड़ी में आपको। हाय माय करंट बॉयफ्रेंड, कितना प्यार करते हो फिर तुम मुझसे? कब लेके जा रहे हो मुझे डेट पे? एक्सक्यूज मी, हेलो, रोमांटिकली बात करो जरा मुझसे। बहुत अच्छे से चैट करियो, एकदम उसे विश्वास होना चाहिए जब वो चैट पड़ेगी, हाँ मेरा सच में चक्कर चल रहा है। क्या क्या बोलना चाहिए मुझे? कुछ अच्छा अच्छा बोल, बेबी बहुत मन कर रहा है मिलने का। ये नहीं, ये तो लिख चुके हैं, ये तो चैट में कर चुके हैं हम, और क्या लिख सकते हैं? तूने खुद ही करी है। हाँ मैंने ना इसके फोन से खुद ही चैट करी, कह रही मुझे नहीं ऐसी बातें करनी आती, तू खुद ही कर ले। तो और क्या लिखेगी? हाँ, बेबी कुछ ट्रिप पे चलने का प्लान करते हैं ना, मैं और आप चलेंगे, खूब मजा आएगा, पहाड़ों पे चलते हैं, कुछ भी इस टाइप की बातें कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि शिवम और मैं तो बहुत टाइम से ट्रिप पे नहीं कर रहे, तो उसको थोड़ा ये भी फील होगा कि यार कोई और लड़का इसको ट्रिप पे जाने के लिए ऑफर कर रहा है। भाई है तो प्लीज़ ले चलना। किसको? तो गाइज हम लोग अभी कर रहे हैं शिवम का वेट, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। शिवम वहाँ से निकल चुका है, उसका फ़ोन आया था, लेट्स सी अब जैसे ही आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रैंक के लिए, आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में इतने इविल इविल प्लान्स आते हैं। क्या करता है रे तेरी तो? नीचे लिखो तान्या दीदी यू रॉक। कैसे देख रही थी तू अभी मेरी तरफ? दिखाइए जरा इधर मुंह अपना, कैसे देख रही थी? क्यों देख रही थी? क्यों देख रही थी ऐसे? इट्स हर चॉइस। ऐसे ही देख नहीं सकता क्या इंसान? नहीं, चल हट, छोटी बहन होने के फायदे इन्हें कभी भी मारो, ये साली होती हरामी है। अभी असलियत नहीं पता ना, रुको कैमरा हट, में तो कितना। चल ठीक है, आज के लिए तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे माफ कर रही हूँ। हाँ, ठीक है यार, तो गाइस चलते हैं। ये आ गया है शिवम। हाय, कैसे हो? व्लॉग बना रहे हो? यस। हाय गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा सबको, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आज हम घूमने जा रहे हैं। हेलो जी, दीक्षु जी कैसे हो जी? बढ़िया है जी। दीक्षा तो आती है, दिखती नहीं, मेरे को पता नहीं लगा, मैंने कहा अपने दरवाजा खुला अपने दरवाजा बंद हुआ है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं कुछ खाने पीने जाने के लिए। क्या क्या खाने वाले हैं हम लोग? गाइस हम खाने वाले हैं आज
मीठा बहुत खा लिया यार, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज कुछ नमकीन खाते हैं कुछ। गाइस मैं पागल हूँ जो बोल रहा हूँ। यस 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 मैं बोल रहा हूँ, इसने खुद से क्वेश्चन पूछा था और फोन में घुस गई है गाइस। अरे एक मिनट मैं रिप्लाई कर रही हूँ, फिर व्लॉग तो कर ले, पहले बना ले। कुछ नहीं, एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई कर रही थी। अब बता दे फिर सबको क्या खाने जा रहे हैं, मैं पागलों की तरह बोल रहा हूं। कुछ भी चलते हैं खाने, बताओ आपको क्या खाना है। दीक्षा क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा, उधर साइड ही चलते हैं, कोर्ट रोड साइड, किसी अच्छे कैफे में चल के बैठते हैं थोड़ी देर, कुछ अच्छा पिएंगे यार। पहले गेड़ी मारते हैं 15 मिनट, उसके बाद खा लेंगे। ओके वाह वाह वाह, रख दे इसको। नहीं बेबी एक मिनट, मेरे फ्रेंड का मैसेज आ रहा है। यार ऐसे मजा नहीं आता यार, निकले हम व्लॉग भी बना रहे हैं, घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, फोनों में घुसे रहोगे तो क्या चलेगा इसमें? बस एक क्यों दीक्षा? हां जी, ये तो बहुत गलत बात है, व्लॉग स्टार्ट करने के बाद बातें करने की। दीक्षा तो है ही मेरी साथ देने वाली, तभी तो गाइस दीक्षा है मेरी साली। यस इसकी आधी प्रॉपर्टी भी मेरी। तने से फेंक दे इस फोन को। हाँ, बस घुसी पड़ी है फोन में। तने भाई यार रख दे यार इसको, यार दीक्षा बोल यार इसको, यार ये अच्छी बात थोड़ी ना। अच्छी बात है यार, रख दे फोन। सॉरी सॉरी, घुसी पड़ी फोन में, या तो फिर व्लॉग बंद कर दे, फिर वही कर लेते हैं। तू अपनी चैट कर ले, मैं अपनी चैट कर लेता हूँ, फोनों में घुसे रहते हैं। कर दिया बंद। किसको मौत आ रही है? एक फ्रेंड से बात कर रही थी, अब आपने फोन चलाने से मना कर दिया, उसकी मैसेजेस आए जा रहे हैं। कौन सा फ्रेंड है जिसकी इतनी खाज है जिसको? कोई नहीं है, एक फ्रेंड है मेरा। तेरा तेरा दीक्षा, ये क्या हो रहा इसका? है इसका, अरे एक फ्रेंड है यार, उसको थोड़ा सा लो फील हो रहा था, मैं उसका रिप्लाई ऐसे कौन सा फ्रेंड है टट टट मैसेज कर रहा है मेरे को, बैक टू बैक भेज रहा है। सच में चेप है यार। कौन है? अरे ऐसे फोन नहीं छेड़ते शिवा भाई, तो मैं तो तेरे सारे दोस्तों को जानता ही हूँ। हाँ तो आप चैट थोड़ी पढ़ सकते हो, तो बता तो दे कौन है। चचा मैं ही तो पूछ रहा हूँ, चैट तोड़ने खींच रहा हूँ तेरी, तने मैं पूछ रहा हूँ कुछ। भाई दीक्षा बोल दे यार इसको। अरे दे दे, नहीं कर पाते यार। तो ऐसे भाई डर क्यों रही है तू? What the fuck? अरे मतलब एक तो पीछे बस वाले की पता नहीं क्या मौत आई है, इसकी बहन का कुत्ता। अरे वो आगे वाले ने ब्रेक मार दी यार, सुअर के बच्चे ने एकदम से ब्रेक मारी। गाइस मैं ही आपसे बात कर लेता हूँ, इन दोनों का तो ध्यान है नहीं मेरी बातों में। चल तान्या नहीं बात कर रही, तान्या घुसी पड़ी है अपने फ्रेंड के साथ फोन में। भाई आप चैटिंग करो, मैं आप सबसे बात करूँ। आप में से जिस जिसने हमारा गेमिंग चैनल देख लिया मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि न्यू वीडियोस भी आ चुकी हैं, एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है, शायद दो भी हो चुकी हों, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे होगे ये व्लॉग। तो ऐसे ही प्यार देते रहो। और ये तो घुसी हुई है जी फोन में, इसको पता लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे, फिर भी घुसी हुई है। करो करो आप करो, अलग से बैठो आप, अपना चैटिंग वैटिंग करो आप, छोड़ो एक मैसेज क्यों आप एक घंटा करो। अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रही है। कौन पहले मुझे ये बताओ? अरे मेरे फैशन डिजाइनिंग के टाइम पे एक फ्रेंड था ना कॉलेज में, चल छुट्टी, नाम क्या था? नाम तो पता होगा, तूने मेरे को सबके बारे में बताया हुआ है। ऋतिक ही था लौंडा, तो ऋतिक तो हमारी क्लास में था ना, एक दूसरी क्लास में भी था। दूसरी क्लास में कौन ऋतिक था? नहीं देवांश, मैं तो नाम नहीं सुना आज तक। देवांश सुना होगा कभी तो बताया होगा ना उसके बारे में। मैं तो देवांश टुन्नू ही पता है मेरे को। नहीं नहीं है एक देवांश नाम का भी। ये इतने बार आने दे, एक बार आने दे, देखते हैं कितने मैसेज करते गए। कंट्रोल नहीं हो रहा इससे है ना देवांश से। बेबी बोलो थोड़ा सा परे, खोलेगी नहीं अपना फोन। क्या परेशान चल रहा है उसकी कॉन्स्टिपेशन हो रखा है क्या उसे? खुल के नहीं आ रही उसे। इतना जो तेरे को मैसेज कर रहा है, और तू डॉक्टर है क्या?
पॉटी की डॉक्टर है क्या तू? पॉटियां क्लियर करवाती है लोगों की? ब्रदर अरे मैं भी कुछ नहीं, देवांश का ना ब्रेकअप हो गया अभी थोड़े टाइम पहले, तो वो थोड़ा सा परेशान है, इसलिए मैं उसको थोड़ा वो कर रही थी कि परेशान मत हो। पहले तो मैंने कभी नहीं, एक तो ना मैंने नाम सुना ना मैंने कभी तेरे से चैट करते हुए देखा इसको। सच में बीच में हमारी बात बंद हो गई थी इस वजह से। तो ब्रेकअप के टाइम पे उसे तेरी क्यों याद आई? सही बात, क्या 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 रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान है, कह रहा मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन सा फील हो रहा है। तो तू डिप्रेशन की डॉक्टर है क्या? तू मेरे को दिखा, रख दे अपना मेरे को दिखा। अच्छा मैं नहीं, मैं नहीं कर रही, बाहर निकले अभी, ऐसे मत कर। तू फोन क्यों नहीं दे रही मुझे? फोन तो दे दीक्षा, इसको बोल मेरे फ्रेंड से बात कर, वैसे गलत बात है, फोन दे मेरे को। शिवम आप ऐसे मेरी प्राइवेसी में नहीं वो कर सकते हो? तेरी क्या? हां तेरी, आप मेरी प्राइवेट मैसेजेस थोड़ी पढ़ सकते हो? प्राइवेट प्राइवेट ही होते हैं यार, जो दो बंदों के बीच में जो बातें हो रही है वो प्राइवेट ही होती हैं। ताने मेरे को इरिटेट मत कर, मैं सच्ची कह रहा हूं यार, ऐसे मत कर यार। अरे ऐसे थोड़ी दिखा सकती हो फोन, ऐसा क्या है तेरे फोन में जो तू दिखा नहीं सकती है? क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब गाड़ी यही रुकेगी। अरे गाइस तो ये बीच चौराहे में गाड़ी रुक गई है। मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। सुनो मेरे प्राइवेट मैसेजेस हैं, पढ़ूंगा नहीं। दिखाओ प्लीज, समझो ऐसा अच्छा प्लीज यार। यार क्या बेबी यार, यार मुझे नहीं पसंद यार, फोन दे तू। अरे यार शट अप, फोन दे अब मुझे बता, पहले मुझे बता क्या है ये? कुछ नहीं यार, बस हम तूने एक तो डी के आगे हार्ट बनाया हुआ, उसका नाम ही तूने अलग रखा हुआ है, क्या है ये? अरे तो मैं उसको देवांश को डी ही बुलाती थी। कहना ऐसे नहीं होता यार, ये क्या है बेबी? अरे तो यार बेबी फ्रेंड्स में बेबी बेबी तो चलता है यार। मेरे तो कोई फ्रेंड्स के साथ नहीं चलता, मैंने कौन सी लड़की को बेबी लिख लिया आज तक भाई? दीक्षा यार भाई, तेरे को सीरियसली लग रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए? नहीं यार, दिल बनाए हुए हैं इतने सारे, दिल भी चल छोड़ दो, इमोजी जो मर्जी बनाओ, ये बेबी आपको मिस कर रही हूँ यार। ताना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तूने फैमिलीज के बारे में भी नहीं सोचा, अब दो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं आपस में, ऐसा कुछ तो करेगी तो उनपे क्या बीतेगी? तू मेरा छोड़ दे एक बार। सॉरी यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, ये क्या है, ये है कौन, ये इसका तो नंबर मैं लूंगा, इसका तो देखना। अच्छा सॉरी, बस ना ना अभी नहीं ले रहा, लूंगा तसल्ली से लूंगा, अभी मेरे को पढ़ने तो दे पहले, क्या गुल खिला रही है तू? कुछ गुल नहीं खिला रही मैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे दीक्षा के आगे ये सब बातें करनी पड़ रही हैं, बट ये जो हरकत है ना, मैं कुछ नहीं कह रही यार। क्या कुछ नहीं कह रही, उसी तो कह रही है तो सारा कुछ। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं यार शिवम, फ्रेंड्स में ये क्या है, खाना खाया, मिल लो, मिलूंगी। अरे तो ये चंडीगढ़ी रहता है ना, इंडियन पहन के आना, उसे क्या लेना देना भाई, क्या मिलूंगी मैं, मिलूंगा अब इससे, रुक जा तू। अरे ये चंडीगढ़ ही रहता है, हमने सोचा हम मिल लेंगे। आपको मैंने देख लिया मिलने का प्लान तुम्हारा जो है, बस आते ही सबसे पहले आपसे मिलूंगी। अरे तो इतने टाइम से नहीं मिले, तू अभी भी आंसर दे रही है यार, मेरे को पता भी नहीं जिस बंदे के बारे में तू कह रही है, इतने टाइम से नहीं मिले। तेरे को लगता है तेरे को कुछ कहना चाहिए यार इसको? यार मुझे तो पता ही नहीं कौन सा दोस्त है यार ये, इसका पता नहीं नए नए दोस्त पैदा हो रहे हैं अब इसके। अरे यार गलत बात ही है ना, हाँ, वो तो है। हमारे इसका थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, तो बस फिर अब व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। कुछ नहीं है, मेरे को अच्छा लगता था ये कॉलेज में, तो मैंने इसलिए फिर रिप्लाई कर दिया। अच्छा लगता था तेरे को, फिर भी बात कर रही है तू इससे? तो वो तो लगता था ना, अब तो तू है तो अब क्यों फिर मिस कर रही हूँ की लिखा है उसे? वो तो ऐसे क्या लिखा है तूने? क्या दीक्षा, तू भी इसका साथ ले ले, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ इसने।
लिखा तुम्हारा पति इससे मैं परेशान हो चुका हूँ, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती, ये अच्छी बात लिख रहा है वो, और तू कह रही तेरा फ्रेंड है वो, मेरे से शादी कर लो बता, और कह रही है दोस्त है क्या बात कर रखी है तूने ताने, ये सब अपनी सब चीजें अपनी जगह होती हैं, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह होती है, तभी साला मेरे को पसंद नहीं है, मुझे तभी लड़के लड़कियों की दोस्ती समझ ही नहीं आती, आधे से ज्यादा हरामी दिमाग में यही लेकर बैठे होते हैं, अगली बंदी कभी परेशान हो साइड हो और मैं पकड़ लूं उसे, मैक्सिमम हरामी होते हैं, मैं लड़का हूं, मुझे लड़कों का ज्यादा पता है क्या मेंटेलिटी रहती है मैक्सिमम की, सबको नहीं कह रहा लेकिन ये मैसेज पढ़ के तो ये तो हरामी है एक नंबर का जो भी है, बस अब भी बोलते तेरा दोस्त है जो अच्छे लोग है, मैं तो पागल हूँ तेरे को इतना टाइम दे रहा हूँ अपना, क्या सॉरी तुझे लग, तेरे को पता ना मैं ऐसी कोई चीज नहीं सहन कर सकता, मैं कुछ भी सहन कर लूंगा, अभी भी शर्म नहीं है इसको, सॉरी तो बोल रहे हो और क्या बोलूं फिर, रुक जा तू अभी मैं पहले पढ़ूंगा पूरा, फोन मांग ना लियो मेरे से अभी, दिशा ये बात घर पे बता दियो तू, मैं नहीं बताऊंगा घर पे, नहीं घर पे ये बात वही बताएगी, मैंने नहीं बतानी ये बात, मेरे को नहीं एम्बैरेस करना मम्मी पापा को तेरी ये चीज बता के, चल मैं भी यही चाहती हूँ, तू भी यही चाहती है उससे शादी करना, अगर तू लड़की ना होती तो रख के रैपटा देता मैं गाल पे, हाथ मत लगा, मैं मजाक में हाथ झटकूंगा तेरे चोट लगेगी, तेरे चोट लग जाएगी, तेरे मार दूंगा मैं, तेरे चाटा चूटा मार दूंगा अगर मेरे को हाथ लगाया तो, ये तू दूसरे बंदे की वाइफ बनने को तू बोल रही है, वो बोल रहा है मैं चाहता हूँ तुम अलग हो जाओ, तू कह रही है मैं भी यही चाहती हूँ, चुप कर उतर तू यहाँ से, जा तू पागल हो गया यहाँ पे रास्ते में थोड़ी हम दोनों को उतर तू जा तू जा तू जा तू निकल यहाँ से, कैसे जाएंगे हम दोनों, मेरे को नहीं पता मैं यही बैठा हूँ आज रात तक, बैठना है बैठ ले उधर मुकर के बैठ यार, अच्छा ठीक है मैं ब्लॉक कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ अरे हम दोनों ज्यादा दूर नहीं हम घर से, यहाँ से पास ही है घर तेरा, पैदल चली जाएगी जा, पैदल नहीं जा सकते, जैसे मर्जी जा मेरे को नहीं पता, मेरे साथ दीक्षा भी है, थोड़ा दीक्षा मेरे साथ जाएगी तू अकेली जाएगी, ताना मेरा दिमाग मत खराब कर, तू उतर जा, तू दिख रही है मेरे को, मैं इसलिए तेरे को उतार रहा हूँ, मेरा हाथ ना उठ जाए तेरे पे, मैं कह रही हूं मेरा हाथ उठ जाएगा तू उतर यहाँ से, निकल यार तू, दिशा बोल इसको यार उतर यार, अच्छा ठीक है भाई, नहीं यार मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे को टच मत कर, मेरे को टच मत कर, मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे, ताना उतर यार जा तू यार, मजाक में तेरे ऊपर हाथ उठा देता फिर ऐसे नहीं उठाते हमें पता था ना, मुझे पता है ये बात पे नहीं उस टाइम पे नहीं कंट्रोल हो पाता यार, तो आपके दिमाग लड़कियों को सिर्फ इतना बोलना आता है हाथ कैसे उठा सकते हो, लड़के लड़कों को पता है जो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा नहीं होता कंट्रोल उस टाइम पे, तो आप में इतना दिमाग नहीं है, ऐसी हरकत करोगे तो गलती से भी ना उठ जाए, मैं इसलिए तेरे को कह रहा हूँ निकल, अगर भाई से मजाक में चल हाथ नहीं उठाता मैं ऐसे हाथ झटकता तेरा हाथ उठ मुड़ जाता कुछ चोट लग जाती, अरे मुझे पता नहीं होता जैसे ऐसा कुछ करते ना मैं पहले ही बोल देती प्रैंक के खत्म कर देती मैं उसको वहीं पे ही, चोट खा के बोलती अरे हल्की मल्की लग जाए तो कोई बात नहीं यार आप लोगों के लिए कुछ भी चलेगा यार क्या मस्त प्रैंक हुआ इसके साथ, मेरे को तो मजा ही आ गया भाई, उधर तो देख ले सबको देख तो ले, भाई दीक्षा हो और बढ़िया कंटेंट ना शूट हो,
हमारा पर्सनल फोटोग्राफर था, तो एक मस्त प्रैंक पे शो करता था। चलो आइसक्रीम खिलाने के लिए निकले थे हम तो। ऊपर खिलाऊंगा तेरे को यार, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गाइस कैसा लगा आपको ये प्रैंक? मजा तो आया होगा। ये क्या किया आपने? ब्रांड के पकौड़े पूरी लाइट डल रही है, सारा व्हाइट व्हाइट हो गया। क्या किया? कुछ तो करना ही है गुस्से में तेरे साथ। अरे बेबी सॉरी, इट्स ओके यार, प्रैंक में इतना तो चलता है यार, कोई बात नहीं। और डी फॉर दीक्षा, मैंने तो कोई और अल्फाबेट भी नहीं यूज करा यार, ये तो बहुत भोला निकला। अरे बात बताओ, आपको इतना ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? नहीं भाई, ट्रस्ट गया तेल लेने। ट्रस्ट करता हूँ। क्यों गया ट्रस्ट तेल लेने? भाई मैसेज पढ़ के भी क्या ट्रस्ट, मैं पागल हो गया? मैसेज कहाँ से आ गए इतने? मैं क्या कहूँ, मैं शादी खत्म करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ बाबू, ऐसे करूंगा मैं। बेचारा पहली बार मैंने इसको इतने गुस्से में देखा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 11 इयर्स। गाइस आई नो बहुत ज्यादा इसमें एंगल का इशू रहा होगा, क्योंकि शिवम ने यहाँ से फोन पे हाथ मार दिया था, फोन नीचे गिर गया था, मैं उसे नहीं तब छू सकती थी। दीक्षा ने कैसे तैसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा पीछे से, बट आई होप कि आप थोड़ा सा समझोगे, क्योंकि ये थोड़ा छुप छुपा के शूट करना, बहुत हिला होगा। इस व्लॉग में मेरा कोई रोल नहीं है गाइस, मैं कोई इन्वॉल्वड नहीं हूँ, ना मैंने ये तो दीवान बैठा है, ये तो दीवान बैठा है, तुमने व्लॉग एंड करना है, कर लो भाई, मेरे को तो ऐसे मत करो प्लीज प्लीज। इस वाले व्लॉग में ऐसे नहीं चलेगा यार, हर व्लॉग हर प्रैंक में ये नहीं होता, लास्ट में हंसते हंस गए तो खत्म है, मैं नहीं भाई। अच्छा एक बार सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू तो उन सब के मेरी अलग बॉन्डिंग है, तेरे साथ है मेरा जो है गुस्सा, उन सबके साथ मेरा प्यार है, तूने गुस्सा चढ़ा रखा मेरे को, कॉफी घंटा तेरे गोबर पिलाऊंगा, गोबर पिलाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं यार, वो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम उन्हें एंटरटेनमेंट नहीं देंगे क्या? एंटरटेनमेंट देंगे इधर क्या, मेरे दिल की धड़कन ऊपर चली गई साले डॉक्टर के पास, तू लेके जाएगी दीक्षा, दीक्षा उठा भी नहीं पाएगी मुझे। चल तेरे को है दीपक बंसल के लेके चल, चल ना बेबी बुरा मत मान, इधर बीपी साला बुर्ज खलीफा पे बीपी पहुंचा दिया तुमने मेरा। इट्स ओके बेबी, इट्स ओके, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं यार। आइसक्रीम हुई है ना, तेरे तेरे तो बाद में हिसाब किताब करूंगा मैं। यार सॉरी मैं बोल तो रही हूं यार, तेरा मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे को सीरियसली अभी भी गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब मेरे को थोड़ी देर लगेगी ठीक होने में, ऐसे नहीं होता इतनी जल्दी। एक चीज को तूने, मैं कभी जिंदगी में तेरे ऊपर चीट नहीं कर सकती, मैं किसी और के बारे में सोचती नहीं हूँ, चीट तो बहुत दूर की बात है यार। I'm sorry. उस बात पे नहीं मेरे को आ रहा, मेरे को गुस्सा अंदर जो है वो तो निकला नहीं, अब मैं क्या करूँ बता, मैं गुस्सा तो आ ही रहा है मेरे को। जा बाहर जाके ईंट तोड़ ले, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे शांत होने में। अब तू बात कर ले, तू व्लॉग एंड कर ले, मुझे तेरे से अभी बात नहीं करनी। गाइस सॉरी, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। गाइज मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं जरा इसको थोड़ा देखती हूँ, सब मनाती बनाती हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कोई बात नहीं मेरी वाट लग रही है, बट इट्स ओके। तो आप इस व्लॉग को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। दीक्षु बाय बोल दो फटाफट, बाय बाय गाइज, बाय तो बोल दो एटलीस्ट। मैंने कर दिया सबको, अरे बाय बोल दो, मैंने कर दिया, बाय कर दिया।